ओके गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टैंडर्ड फर्स्ट के अंदर हमने कुछ फर्स्ट चैप्टर के अंदर नेचुरल थिंग्स के बाद देखना बाकी था, तो स्टार्ट करते हैं उसे। नेचुरल थिंग्स, दिस आर नेचुरल थिंग्स, दिस आर नॉट मेड बाय मैन, जो इंसानों ने नहीं बनाया है, मैन मेड हमने देखा था, अब आ रहा है वो है नेचुरल थिंग्स। उसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर है बटरफ्लाई, आपने देखी हुई होगी, स्पेलिंग आता है BUTTERFLY, फ्रूट्स FRUITS, माउंटेन MOUNTAIN, बर्ड BIRD, ट्री TREE, वेजिटेबल VEGETABLES। मैंने स्पेलिंग बनाने के लिए एक सही तरीका, या तो फिर आप कर सको वैसा एक तरीका आपको दिखाया था इसके पहले के वीडियो में, वर्ड्स को अलग कर दो और उसको फिर उसके स्पेलिंग बनाओ। अर्थ EARTH, फिश FISH, और एक है लास्ट वाला वो है सन SUN, स्पेलिंग बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आगे मैन मेड थिंग और नेचर थिंग्स के बाद नेचर, हाउ टू मशीन वर्क, मशीन किस तरह से काम करता है। कई सारे मशीन आपने देखे होंगे, बाल कटाते वक्त बाल कटने के लिए भी एक मशीन आता है, तो कई सारी चीजें हमारी मशीन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, उसके जरिए ही हम काम करते हैं। तो यहाँ पर हाउ डू मशीन वर्क, कंप्यूटर हमारा एक मशीन ही है ना, तो उसके हिसाब से ही चैप्टर में के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, तो चलो पढ़ते हैं। सम मशीन्स वर्क आर ऑन फ्यूल लाइक कार, बस, बाइक और एरोप्लेन, फ्यूल के ऊपर काम करते हैं ना, खाना ना मिले तो हम भी काम नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए फ्यूल है खाना। वैसे ही गाड़ी हो पेट्रोल से चलेगी, डीजल से चलेगी, कुछ चीजें इलेक्ट्रिक से चलेगी, बिजली से चलेगी। सम मशीन वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी लाइक टीवी, फैन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आयरन एंड कंप्यूटर, है ना। यहाँ पर आपको इमेज के अंदर मिल ही रहे हैं ना, ये है कंप्यूटर, फैन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इस्त्री जिसे कहते हैं आयरन, है ना, कंप्यूटर। वैसे ही यहां पर सम मशीन वर्क्स ऑन ह्यूमन पावर लाइक बाइसिकल, साइकिल, रिक्शो, है ना, सीजर, तो उसको चलाने के लिए आपको हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी, तो वैसी चीजें यहां पर आपको दी हुई है। तो यहां पर मैन मेड के अंदर फ्यूल से चलने वाली चीजें, उसमें भी पेट्रोल से चल रही हो, है ना, फ्यूल डीजल से चल रही हो, दूसरा यहाँ पर दिया हुआ इलेक्ट्रिक से चल रही हो, तीसरा यहाँ पर है ह्यूमन पावर से चल रही हो, वैसी चीजें आपको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। एक्सरसाइज के अंदर एक्सरसाइज आपको जो करना है वो आपको मैं कराने वाला नहीं हूं, सारी चीजें बेसिक चीजें यहां पर ऑलरेडी बुक के अंदर अवेलेबल है, आप खुद सर्च करके आपके पेरेंट्स के सामने बैठकर या तो फिर पेरेंट्स की हेल्प लेकर ये पूरी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। हाईलाइट में आपको दे दो एक्सरसाइज के अंदर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले यहां पर दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स मेक अवर वर्क फास्ट, कौन सी चीज है जो हमारा काम इजी और फास्ट कर देती है, तो यहां पर है ही, है ना, मशीन आंसर। थिंग्स दैट आर नॉट मेन मेड आर कॉल्ड फिलिंग द ब्लैंक्स थिंग, मैन मेड नहीं होती है तो उसको कहा जाएगा नेचर, है ना, तो उसका आंसर आएगा यहां पर। एरोप्लेन इज अ फिलिंग द ब्लैंक्स थिंग, तो कौन सा थिंग है, किसने सोचा है, किसने बनाया है, तो वो है मैन मेड। उसके बाद कंप्यूटर वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी,
तो फिलिंग द ब्लैंक है, तो आपको बुक के अंदर ही यहाँ पर ही आपको फिलिंग द ब्लैंक्स क्लियर करनी है। वैसे ही नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आपको मिलेगा वहाँ पर मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग मतलब यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर स्पेलिंग लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है आयरन, मतलब हम आयरन जो करते हैं कपड़े है ना वो, तो उसकी लाइन दो ड्रॉ की हुई है यहाँ से लेकर सीधी यहाँ तक। वैसे ही कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की लाइन आपको यहाँ से ड्रॉ करनी है, कंप्यूटर कहाँ पर है यहाँ पर। वैसे ही वॉशिंग मशीन के लिए यहाँ से साइन करके सॉरी लाइन ड्रॉ करके यहाँ तक आपको आना पड़ेगा। वैसे ही बाइक, तो बाइक कहाँ पर है BIKE ऊपर की ओर है। नेक्स्ट यहाँ पर राइट टी फॉर ट्रू, अगर नीचे वाले सेंटेंस ट्रू है तो आपको टी प्रेस करना है, टी लिखना है कहाँ पर यहाँ पर बॉक्स के अंदर। एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, मशीन वर्क फास्टर, ट्रू है मशीन फास्ट काम करती है, तो यहां पर आपको लिखना है ट्रू यानी कि टी। कंप्यूटर वर्क ऑन फ्यूल, कंप्यूटर क्या फ्यूल से चल रहा है, फ्यूल है लेकिन उसका फ्यूल क्या है इलेक्ट्रिसिटी, यहां फ्यूल मतलब पेट्रोल डालना पड़ेगा, केरोसिन डालना पड़ेगा या डीजल डालना पड़ेगा, तो कंप्यूटर क्या उससे चलता है नहीं, कंप्यूटर के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, फ्यूल पे वर्क करता नहीं है, तो यहां पर आएगा फॉल्स एफ। मशीन इजी अप आवर वर्क, मशीन अपना काम क्या करता है बहुत इजी कर देता है, हाँ तो वो सही है ट्रू, ठीक है। उसके बाद जॉइन द डॉट टू कंप्लीट द पिक्चर एंड कलर इट, फिल द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट द नेम, यानी कि नीचे की ओर आपको इमेज दी हुई है वहां पर जितने भी डॉट है एक से दूसरा डॉट आपको ज्वाइन करना है, यहां अगर आप एक से दूसरा डॉट ज्वाइन करोगे तो यहां पर एक पिक्चर बनेगी, इमेज हमें दिख ही रही है, क्या है ये फैन है ना, तो फैन का स्पेलिंग तो नीचे लिखा हुआ है, एफ लिखा है लास्ट में एन लिखा हुआ है, तो बीच में फैन का स्पेलिंग कंप्लीट आपको करना है। वैसे ही यहां पर अगर आप देखो तो ये है क्या है फ्रिज, तो फ्रिज का स्पेलिंग आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, आयरन है ना, आयरन का स्पेलिंग आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। तो बुक के अंदर आपको ढूंढ कर ये स्पेलिंग सारे यहां पर लिखने होंगे जहां कहीं भी ये सारी चीजें आ रही है। नेक्स्ट यहां पर दिया हुआ है कंप्लीट द क्रॉसवर्ड बाय फिलिंग द लेटर इन द ब्लैंक बॉक्स, टेक हेल्प फ्रॉम द हिंट बॉक्स, हिंट बॉक्स के अंदर आपको जो भी चीजें यहां पर फिलिंग द ब्लैंक्स में आती होगी या फिर बॉक्स के अंदर आती होगी वो यहां पर वर्ड्स आपको ऑलरेडी दे दिए हैं। आपको क्या करना है, तो यहां पर जितने भी बॉक्स है ना, बॉक्स के अंदर सीधी और टेढ़ी या इसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, जैसे कि यहां पर मैं आपको दिखाऊं एफ ए है ना, यहां पर क्या है तो क्या एफ ए मतलब कौन सा वर्ड यहां से बन सकता है, तो ये है फैन, एफ ए एन, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा एन। वैसे ही सीधा आपने देखा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों दिखना है आपको, तो यहां पर भी एक वर्ड बन रहा है ए उसके बाद ब्लैंक, आर उसके बाद ब्लैंक, पी उसके बाद ब्लैंक, ए उसके बाद ब्लैंक, तो यहां पर है एरोप्लेन, उसका स्पेलिंग है ये रहा, तो आपको ए के बाद स्पेलिंग कौन सा आएगा ई आर ओ पी, तो स्पेलिंग आपको बनाना है यहां पर। वैसे ही दूसरी आयरन आई आर ओ एन, तो वैसे ही सारे वर्ड्स आपको बुक के अंदर यहां से बॉक्स में के अंदर बनाकर लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहां पर आपको मिल रहा है गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, नेम अ मशीन विच वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, नेम अ मशीन, मशीन का नाम बता रहा है कौन से मशीन का, विच जो वर्क करता है काम करता है ऑन इलेक्ट्रिसिटी,
इलेक्ट्रिसिटी से कई सारी चीज़ें काम करती है, कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज, तो उसमें से कोई भी एक नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो, उसका स्पेलिंग आपको आना चाहिए। अगर स्पेलिंग नहीं आता है बुक के अंदर आगे आप देख सकते हो। व्हाट कंप्यूटर अवर वर्क फास्टर, व्हाट कंप्लीट अवर वर्क फास्टर, सॉरी व्हाट कंप्लीट अवर वर्क फास्टर, कौन अपना काम फास्ट करता है? मशीन, फिलिंग द ब्लैंक के अंदर था ही, है ना, तो मशीन यहां पर आंसर आएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम एनी टू मशीन यू सी इन योर स्कूल। अभी तो आप स्कूल पे नहीं आ रहे हो, है ना, तो आपको क्या करना है, स्कूल में नहीं, आपको घर में, घर के अंदर जहां कहीं भी आपको मशीन दिख रहे हो उनके मशीन के नाम आपको यहां पर लिखना है। नेम एनी टू नेचुरल थिंग्स, है ना, घर की खिड़की से बाहर अगर आप देखोगे तो नेचुरल थिंग्स आपको कौन कौन सी दिख रही है, तो वो दो नाम आपको यहां पर लिखना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो है MCQ जिसे कहते हैं। MCQ मतलब एक क्वेश्चन मिलेगा उसके चार ऑप्शन आपको मिलेंगे। कई बच्चे देखते होंगे KBC, कौन बनेगा करोड़पति, वो बच्चन वाले दादा आते हैं ना, तो वैसे ही यहां पर आंसर मिलेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर। यहां पर है विच ऑफ दिस इज नॉट अ मशीन, यानी कि विच ऑफ, यहां में यहां से कोई एक नॉट नहीं है, क्या है, मशीन नहीं है। कंप्यूटर तो वो मशीन है, फ्री वॉशिंग मशीन वो है मशीन है, कार वो भी एक मशीन है, तो कौन बाकी रहा, फुटबॉल या जिसे बॉल कहते हैं, वो मशीन नहीं है। विच ऑफ दिस मशीन वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा मशीन इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है, बाइसिकल तो हमें चलानी पड़ती है, कैंची वो हमें चलानी पड़ती है, सीजर, है ना, कार या फिर बाइक गाड़ी जिसे कहते हैं, तो वो यहां पर कार तो वो चलती है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पर नहीं चलेगी गाड़ी, है ना, वो पेट्रोल फ्यूल पे चलेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली एक ही चीज है वो है यहां पर कंप्यूटर, है ना। वैसे ही नेक्स्ट, विच ऑफ दिस मशीन वर्क ऑन ह्यूमन पावर, ह्यूमन पावर हम चला सकते ऐसी चीज, कंप्यूटर चलाते हैं हम हैं लेकिन कंप्यूटर अपने आप थोड़ी चलता है, हम चालू करते हैं उसे, पावर हम उसे हम देते नहीं, पावर उसे कहां से मिलता है, बिजली से मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी से। एरोप्लेन तो उसके लिए अंदर पेट्रोल लगता है, प्लेन का पेट्रोल, है ना, कार तो उसके अंदर डीजल और पेट्रोल लगता है, लेकिन सीजर जिसे हम चलाते हैं, है ना, हमें चलानी पड़ती है, फ्यूल की जरूरत है। कभी कोई ऐसी कैची देखी है कि स्विच आपने ऑन की और कैची चलना स्टार्ट हो जाए, नहीं। तो बस यही एक्सरसाइज है आपकी, यही सारी चीजें आपको देखनी है, चेक करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो आएगा वो है लेट्स गेट फैमिलियर विथ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कुछ पार्ट हम देखेंगे, किस तरह से आएंगे, कैसे आएंगे, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू एंड बाय बाय।